सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का विषय भूगोल, और भूगोल विषय के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं भूमि उपयोग। भूमि उपयोग अर्थात जमीन का उपयोग। जमीन का उपयोग अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है, उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। अभी पहला ही प्रश्न दिया है, अपने घर का नक्शा बनाओ। बताओ कि इस नक्शे में नीचे दी गई व्यवस्थाएं कहाँ कहाँ स्थित हैं। आप नक्शा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक सपने का घर हो सकता है। हर किसी को ऐसा ही घर चाहिए, ऐसा लगता है, मुझे भी लगता है। अब इस घर में देखो कौन सी व्यवस्था कहाँ पर है, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। सबसे पहले ये मुझे स्टडी रूम लग रहा है, बच्चों के पढ़ने का कमरा। टेबल कुर्सी रखी है, खिड़की है, बढ़िया से सुंदर सा बना है। यहाँ पर डाइनिंग टेबल है, ये हॉल हो सकता है, हॉल की तरह बना है सुंदर सा। मेहमान आए, बैठे, दरवाजा है, और फिर भोजन की व्यवस्था यहाँ पर खा सकते हैं। यह किचन लग रहा है, प्लेटफॉर्म है किचन का, जहाँ पर बढ़िया से खाना बना सकते हैं, साफ सुथरी जगह। फिर ये एक टॉयलेट बाथरूम लग रहा है, यहाँ जो भी है वो जा सकता है। यहाँ भी छोटा सा किचन की तरह टॉयलेट बाथरूम, ये बाथरूम ही लग रहा है, टॉयलेट ही है, ये वॉश बेसिन है, ये बेडरूम है। इस तरह से इस घर की व्यवस्था है। आप बोला गया है कि आप अपने घर का नक्शा बनाओ, मैप बनाओ, फिर उसमें रसोई घर दिखाओ, पूजा घर कहाँ पर है, गुसल खाना, टॉयलेट कहाँ पर है, आंगन कहाँ है, बैठक खाना कहाँ है, शयन कक्ष अर्थात बेडरूम, इस तरह से हम बना सकते हैं। जनरली जो शहर में रहते हैं, शहर में रहने वालों के घर छोटे छोटे हैं। मुंबई जैसे बड़े शहर में इतना बड़ा घर मिलना बहुत मुश्किल है, और है भी तो कीमतें आसमान छू रही हैं, करोड़ों से ऊपर है, पूरा जीवन बीत जाए तो भी इस तरह का एक घर बहुत भाग्य से ही होगा, या बहुत मेहनत करेंगे तो जाकर के सफल इंसान बनेंगे तो हो सकता है। अब नक्शा बनाते समय किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है? प्रत्येक व्यवस्था का स्थान घर में निश्चित क्यों होता है? यदि इन व्यवस्थाओं का स्थान निश्चित नहीं होगा तो क्या होगा? ये सब व्यवस्थाएं अगर निश्चित नहीं होगी तो क्या होगा? चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाएगी, अपने घर में परेशान होंगे हम। बेडरूम की चीजें बेडरूम में मिलेंगी अगर हमने ढंग से रखा है तो, और सब चीजें एक ही जगह, एक ही छोटा सा कमरा है, उसी में सब कुछ है, तो परेशान हो जाएंगे। इसलिए छोटा भी घर होगा तो भी उस कमरे में हम अपनी चीजें व्यवस्थित रखते हैं। अपनी नोटबुक का सेल्फ अलग होगा या टेबल अलग होगा, किचन की जो व्यवस्था है चीजें वो किचन में होंगी, और बेड अलग जगह पर होगा। इस तरह से सब चीजें अगर हमने व्यवस्थित रखी है तो समय पर हमको सब आसानी से मिल जाएंगी, हमारी सुविधा के लिए सब चीजें अच्छी। अब यहाँ पर दिया है कि यदि घर में सब चीजों का स्थान निश्चित हो, निश्चित ना हो तो पूरा घर अव्यवस्थित लगता है, और निश्चित हो सारा घर व्यवस्थित लगेगा। अगर इन वस्तुओं का स्थान बदल दिया जाए तो क्या होगा? तो हमें प्रतिदिन परेशानी होगी। अगर जगह बदल दी जाए तो परेशानी होगी। समझो मैं नोटबुक रोज टेबल पर रखता था, आज माता जी ने उठा करके उसे कपाट में रख दिया, तो सुनते रह जाए, है कि नहीं? इसी तरह से सब वस्तुएं अपनी घर की व्यवस्थित रहे तो समय पर मिल जाएंगी। अब यहाँ पर भूमि का उपयोग दिया है। भूमि का उपयोग अर्थात जो जमीन है उसका सही तरीके से उपयोग करना। तो कुछ जगह ऐसी होती जहां पर खनिज पदार्थ मिलते हैं, खनिज पदार्थ अर्थात उत्खनन में जमीन खोदने के बाद कोयला मिलता है, ऑयल मिलता है, तो उसका उपयोग उसके लिए करते हैं। यहाँ पर दिया है भूमि के उपयोग के अलग अलग प्रकार। भूमि के उपयोग के अलग अलग प्रकार में सबसे पहला है ग्रामीण भूमि उपयोग, गांव के भूमि का उपयोग। अभी जो गांव में होते होंगे उन लोगों ने देखा होगा, या हम जब भी गांव जाते हैं तो देखते हैं कि कृषि हमारा मुख्य व्यवसाय है, खेती हमारा मुख्य व्यवसाय है। अब खेती से संबंधित अनेक व्यवसाय जो हम लोग करते रहते हैं गांव में जाओगे तो देखोगे कि खेती से संबंधित ढेर सारे व्यवसाय। फिर इसका परिणाम
ग्रामीण आदिवासियों की अवस्थिति पर दिखाई देता है, इसलिए ये अधिवास खेतों के पास, वनों के पास पाए जाते हैं, खानों के पास, खान में काम करने वाले मजदूरों के अधिवास पाए जाते हैं, तो वहीं सागरी तट के पास मछुआरों के अधिवास। अधिवास मतलब घर। अब जो खेती का काम करता है, खेत जिसके पास ज्यादा होगा तो खेत के अगल बगल ही वो अपने रहने की व्यवस्था किया होगा। अगर जंगल के पास है, जंगल की चीजें वो वस्तुएं जमा करता है, तो जंगल के आसपास उस व्यक्ति का घर होगा। मजदूर है, उत्खनन से चीजें, मतलब जो खदानों में काम करने वाले मजदूर हैं, कंपनी कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं, उसके अगल बगल उनका निवास होता है, उनके रहने का स्थान होता है। मछुआरे जो सागरी तट पर मछली मारने का काम करते हैं, तो उनका घर भी वहीं सागर के अगल बगल होगा। अगर हम लोग जाएं जुहू की तरफ या जहां पर मछीमारी का व्यवसाय चलता है वहां पर जाएं तो देखें अगल बगल उनके घर होते हैं, मछुआरों के घर। अभी ग्रामीण भूमि में, भागों में भूमि अधिक उपलब्ध होती है और जनसंख्या कम होती है। गांव में हम लोगों ने देखा हमारे घर दूर दूर होते हैं। क्यों दूर दूर होते हैं? क्योंकि वहां पर जनसंख्या कम है, लोग कम है। लोग कम अर्थात जगह ज्यादा है, विस्तार ज्यादा है। शहरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। घनत्व अर्थात बहुत कम जगह पे ज्यादा लोग रहना, मतलब घनत्व अधिक है, और ज्यादा जगह पर फैले हुए स्थान पर कम लोगों का रहना, अर्थात घनत्व कम। तो गांव की जो जनसंख्या है वह कम होती है, इसलिए वहां का घनत्व कम होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्र कम होता है। ग्रामीण भूमि के उपयोग का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। रहने के लिए जगह कम और खेती के लिए जगह ज्यादा होती है, ऐसा गांव का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, उस तरह से होती है। अब कृषि भूमि दिए, अलग अलग कौन कौन सी भूमि है, किस तरह से उसका उपयोग किया जाता है, तो कृषि भूमि अर्थात खेती की भूमि, वह भूमि जहाँ प्रत्यक्ष रूप से खेती की जा रही है, यह क्षेत्र सामान्यतः व्यक्तिगत स्वामित्व के अधीन होता है। भूमि के स्वामित्व एवं कृषि के प्रकारों के आधार पर इस क्षेत्र का अधिक वर्गीकरण कर सकते हैं। अगर हम गांव में हैं तो ज्यादातर हमारी खुद की जमीन होती है, व्यक्तिगत जमीन होती है, और उस जमीन पर हम स्वयं खेती करते हैं। अब यहाँ पर उसके आधार पर अलग अलग प्रकार की है। परती भूमि, परती अर्थात खाली जगह, वह कृषि योग्य भूमि जिसका फिलहाल कोई उपयोग नहीं किया जा रहा। भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए कृषक एक दो मौसमों तक भूमि के कुछ भाग का उपयोग नहीं करते, ऐसी भूमि को परती भूमि कहते हैं। ऐसी जगह जो खेती लायक है, खेती की जगह या अपना ही खेत है, उसका साल दो साल के लिए छोड़ दिया जाए, उसमें कोई खेती न की जाए। क्यों छोड़ दिया जाता है? कि उसकी उर्वरकता बढ़ेगी, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, इसके लिए उसको छोड़ दिया जाता है। बाद में फिर उस पर खेती करेंगे, कृषि योग्य भूमि है, लेकिन उसकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए, उसकी उत्पादन क्षमता भूमि की बढ़ाने के लिए खाद पानी डाल करके उसको बढ़िया से और अच्छा तैयार करेंगे, जिससे अधिक उपज दे अगली बार, ऐसी भूमि को हम परती भूमि कहते हैं। वन भूमि, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कृषि भूमि जहाँ पर खेती करते हैं, परती भूमि अगल बगल की जगह हो सकती है जिसे छोड़ा गया है, साल दो साल बाद फिर से उस पर हल चलाएंगे और फसल बोएंगे, बीज बोएंगे। वन भूमि अर्थात जंगल, जंगलों की भूमि। ग्रामीण भूमि उपयोग में सीमांकित वन भी एक प्रकार का भूमि उपयोग है। इस वन क्षेत्र से लकड़ी, गोंद, घास इत्यादि वनोत्पाद प्राप्त होते हैं। इन वन के क्षेत्रों में मुख्यतः बड़े पेड़, झाड़ियां, लताएं, घास इत्यादि। वन भूमि जहां पर जंगल होता है, जंगलों से भी बहुत से जो लोग हैं जिसका गांव जंगल के बगल में बसा है, वो लोग गांव से जाते हैं, वहां से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, गोंद इकट्ठा करते हैं, घास इकट्ठा करते हैं, तो इस तरह से वन भूमि का उपयोग होता है। चारागाह मैदान, ऐसी जगह जहां पर जमीन छोड़ दी गई है, सार्वजनिक जगह है, ग्राम पंचायत के अधीन जगह है, जिसे छोड़ दिया गया है कि जहां पर जाकर के जानवर पशु चरे, घास चरने के लिए उनको छोड़ा गया है कि पशुओं के लिए वहां पर चारा होगा, जहां पर जाकर के पशुओं को हम छोड़ सकते हैं। ऐसी थोड़ी बहुत जमीन, गांव पूरा गांव इसका स्वामी होता है, यह जमीन ग्राम पंचायत के अधीन होती है, ऐसी जमीन को चारागाह या मैदान कहते हैं। नगरीय भूमि का उपयोग, अब नगरीय अर्थात शहरी भूमि, शहर में इतनी जगह खाली नहीं मिलेगी, एक एक इंच, एक एक फुट जगह की कीमत है।
और महंगी है। 20वीं सदी में नगरीय अधिवासियों में वृद्धि हुई। नगरीय भागों में विभिन्न कामों हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है, इसके भूमि का अधिक से अधिक उपयोग करना आवश्यक है। नगरीय भागों में जनसंख्या की तुलना में भूमि सीमित होती है, इसलिए जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। नगरीय अधिवासियों में भूमि उपयोग का वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नगरीय भूमि शहर की जगह 20वीं सदी के बाद जनसंख्या बढ़ी, लोग काम के लिए रोजगार के लिए मुंबई जैसे बड़े शहरों में महानगरों में आने लगे, जहां पर जगह कम है सीमित है लेकिन जनसंख्या बहुत अधिक है। तो नगरीय भूमि का उपयोग किस तरह से करते हैं? सबसे पहला व्यावसायिक क्षेत्र, अब यहाँ पर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसी जगह है, बीकेसी, जो ज्यादातर जो भाग है उसका कमर्शियल भाग है, व्यावसायिक इसमें रिजर्व में रखा गया है, जहां पर बड़े बड़े बैंकों के हेड ऑफिसेस हैं, कार्यालय हैं, दुकानें हैं, बहुत बड़ा बड़े संस्थान यहाँ पर है, इसको बोलेंगे व्यावसायिक क्षेत्र। यहाँ दिया है केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र, सीबीडी की कल्पना का जन्म हुआ, उदाहरण मुंबई स्थित फोर्ट अथवा बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। बीकेसी जाएंगे तो पूरा चकाचौंध दिखाई देता है, रात में भी इतनी रोशनी होती है, ज्यादातर सब बड़े बड़े ऑफिसेस है, कारपोरेट ऑफिसेस, कारपोरेट व्यावसायिक क्षेत्र है और बड़े बड़े बैंक वहां पर स्थित है, इस तरह से विभाजित किया गया है इसको व्यावसायिक क्षेत्र के अंतर्गत। ऐसे मुंबई में जाएंगे, फोर्ट में जाएंगे तो सब व्यावसायिक जगह हमको मिलेंगे। आवासीय क्षेत्र, आवासीय इमारतें, रहने की जगह, इसको कहते हैं आवासीय क्षेत्र, रहने की जगह, बड़े बड़े बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स शहरों में कई मंजिला इमारत, 30 माले, 40 माले, 50 माले की इमारत, क्योंकि जगह कम है लोग ज्यादा है इसलिए उतने लोगों को रहने के लिए इतनी बड़ी अट्टालिकाएं इमारतें बनाना आवश्यक है, ऐसे जगह को आवासीय क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में मकान इमारतों का समावेश होता है, निवासों की संख्या अधिक होने के कारण बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती है। फिर नगरीय विस्तार किया गया, जैसे मुंबई पहले शुरुआत में बहुत छोटा था लेकिन बढ़ते 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 काफी बड़ा होते चले गया और उसके कई उपनगर है। यातायात क्षेत्र क्या है? शहरों में लोगों और माल को लाने ले जाने के लिए यातायात व्यवस्था है। यातायात व्यवस्था हम देख रहे हैं, यहाँ पर मेट्रो का संचालन हो रहा है, रेलगाड़ी का संचालन है, एसटी बसें हैं, बसें हैं, गाड़ियां हैं, बीएसटी की बसें, ऐसी अनेक बसें, मोनो रेल, ऐसी अनेक जो सुविधाएं दी गई हैं वह सब यातायात क्षेत्र है। इसमें रेल स्थानक, बस स्थानक, पेट्रोल पंप, वाहन तल अर्थात वाहनों को पार्क करने के लिए जगह बनाई गई, जहां पर हम पे एंड पार्क की सुविधा होती है, हम पैसे दे करके वहां पर अपने वाहन खड़े करके जो भी काम है वो करने जा सकते हैं, उतने समय का किराया देना पड़ता है। वैसे अनेक मरम्मत केंद्र भी है, गैरेजेस बनाए गए, जिससे यातायात की जो व्यवस्थाएं है वो सुचारू रूप से चलती रहे, आवागमन का जो साधन है वो सही रहे। अब सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र क्या है? जनसंख्या विविध आवश्यकताओं हेतु कुछ सुविधाएं स्थानिक स्वशासन राज्य या फिर केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, जैसे अस्पताल है, अभी हम देखेंगे केईएम हॉस्पिटल, किंग एडवर्ड्स मेमोरियल हॉस्पिटल, बहुत बड़ा अस्पताल है, ऐसे बहुत बड़े बड़े नायर हॉस्पिटल, अपने यहाँ कूपर अस्पताल है अंधेरी विले पार्ले में, तो ऐसे जो अनेक बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है वो सरकार ने बनाए, कुछ महानगर पालिका के अंतर्गत है, कुछ राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित है और तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार द्वारा। उदाहरण के लिए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का सीएसटी का अगर चर्चगेट जाओगे तो रेलवे का ऑफिस है, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का ऑफिस है, इस तरह से रेलवे के जो बड़े बड़े ऑफिस है वो सब केंद्र के अधीन है। फिर डाक व्यवस्था जो है, डाक व्यवस्था, ये डाक है जहां पर अगर सीएसटी स्टेशन उतरोगे थोड़ा सा दूर पर जाओगे तो जीपीओ है, सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस अपने मुंबई का यहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से अनेक विद्यालय, मुंबई यूनिवर्सिटी दिखाया गया, अनेक विद्यालय, विश्वविद्यालय, ये सब सुविधाएं जो है महानगर पालिका, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। ऐसे क्षेत्रों को जैसे पुलिस स्टेशन भी है, उसमें महत्वपूर्ण विभाग ये भी है जो कानून व्यवस्था शहर में बनाए रखने का काम करता है, तो ये सब चीजें सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब ये देख करके तो समझ में आ गया होगा, मनोरंजन क्षेत्र जिसे गार्डन, पार्क, इससे भी सुंदर सुंदर गार्डन बनाए गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे गार्डन है जिससे लोग वहां पर जा करके थोड़ी देर अपने आप को रिफ्रेश कर सकें, फ्रेश कर सकें, ताजी हवा ले सकें,
तो ऐसे भागों को मुख्यतः मैदान, उद्यान, जल तरण, स्विमिंग पूल जिसको बोलते हैं, नाटक घर, सिनेमा घर, ये सब मनोरंजन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर मिश्र भूमि का उपयोग, अब मिश्र भूमि अर्थात जहां पर सब कुछ मिक्स है, अलग से कुछ भी नहीं है, जैसे निवासी क्षेत्र भी है रहने की, जैसे हम लोग अंधेरी में रह रहे हैं, अगल बगल निवासी क्षेत्र भी है, लोग रहते भी हैं, ऑफिसेस भी हैं, दुकानें भी हैं, उसके साथ साथ विद्यालय भी हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी हैं, इस तरह से अनेक क्षेत्र जहां पर एक साथ हो उसको मिश्र भूमि कह सकते हैं, मिश्र भूमि उपयोग कह सकते हैं, मतलब वहां पर जमीन का मिश्रित रूप से उपयोग किया जाता है। संक्रमण क्षेत्र है वो मुखनगर, अब यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, संक्रमित क्षेत्र जहां पर अंधाधुंध बस्तियां बस गई हैं, बिना किसी प्लान के लोग आए अपना घर बनाते चले गए, तो कभी कहीं 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत, कभी कोई आग जैसी दुर्घटना हो गई तो वहां पर फायर ब्रिगेड का पहुंचना भी मुश्किल होता है। इस तरह से संक्रमण क्षेत्र, उपनगर, उपनगर क्या है, जो महानगर है, महानगर के अगल बगल जो बसा हुआ भाग है वह उपनगर है, जैसे सायन के उस तरफ मुंबई महानगर और इस तरफ सारे उपनगर, तो उपनगर का जो विस्तार है वो मुलुंड तक और थाने के लगभग पहुंच चुका है, और उस तरफ दहिसर तक, ये सारे भाग जो है बोरीवली, दहिसर, कांदिवली, ये सब उपनगरीय क्षेत्र में आते हैं। अब योजनाबद्ध शहर, यहाँ पर 2 शहर दिया है, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर, जो पूरी प्लानिंग के साथ बनाए गए, और वैसे हम लोग अपने यहाँ नवी मुंबई में जाए तो नवी मुंबई में भी इस तरह से प्लानिंग के साथ बनाया हुआ शहर मिलेगा, जहां पर वाहनों के पार्किंग की सही तरीके से व्यवस्था है, और ना फेरी वाला क्षेत्र है, फेरी वाला क्षेत्र जहाँ पर है वहां पर मार्केट अच्छे से बनाया गया है, तो इस तरह से पार्किंग की व्यवस्था अलग, सुविधाजनक तरीके से फ्लाईओवर बनाए गए, मेट्रो की व्यवस्था हो रही है, ऐसे जो पूरी तरीके से पूरे प्लानिंग के साथ, व्यावसायिक प्रतिष्ठान अलग जगहों पर है, ऑफिसेज अलग है, मार्केट अलग है, अस्पताल के लिए अलग से जगह रिजर्व की है, मतलब पूरे प्लानिंग के साथ अच्छे तरीके से बसाया गया है, ऐसे शहरों को हम योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया शहर कह सकते हैं। भारत में मुख्यतः चंडीगढ़, भुवनेश्वर, इंदौर जैसा शहर भी काफी हद तक उस क्षेत्र में आता है। मुंबई में नवी मुंबई का जो क्षेत्र है वह योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया शहर है। अब यहाँ पर विश्व में कुछ ऐसे शहर हैं, सिंगापुर, सियोल दक्षिण कोरिया का, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्राजीलिया में, ब्राजील, ब्राजील स्थान पर ब्राजीलिया जो शहर है, फिर भारत में चंडीगढ़, भुवनेश्वर इत्यादि योजनाबद्ध शहर है, जो तो पूरे प्लानिंग के साथ बसाए गए शहर कहे जाते हैं। अब यहाँ पर दिया है भूमि उपयोग को दर्शाने वाले वृत्तारेखों का अभ्यास करके प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर दिया है जो कृषि योग्य भूमि है उसे हरे रंग से दिखाया गया है, लाल रंग से स्थायी कृषि, और वनाच्छादित जो है वो हरे रंग से, पीले रंग से कृषि योग्य, पीला रंग जो है वह कृषि योग्य भूमि के लिए, और जो हल्का पीला है यहाँ पर अलग अलग भूमि का उपयोग दिया है, अन्य में 19%, जो गाढ़ा पीला है वह अन्य में है, जो हल्का पीला है वह कृषि योग्य भूमि है, जो लाल रंग का है 0.8% यह है अस्थाई कृषि, और जो हरे रंग का 68.5% वह है वनाच्छादित भूमि। जापान एवं भारत में भूमि का उपयोग, अब जापान में अगर हम देखें तो 68.5% जो भाग है वनाच्छादित अर्थात जंगल से, अर्थात जो जापान है और भी सुनियोजित सही तरीके से बसाया हुआ शहर है, या वहां के लोग वनों की अच्छे तरीके से संरक्षण कर रहे हैं, बचा के रखे हैं। अब यहाँ पर अगर भारत में देखें तो वही वनों का प्रदेश है 23.1%, 16.4% है अन्य में, जो अन्य उपयोग में होता है भूमि का, और 3.5% स्थायी चारागार है, 52.8% जो कृषि योग्य भूमि है, और 4.2% अस्थायी रूप से जहां पर खेती होती है। अब इन दोनों की तुलना करें तो हमें पता चलेगा कि जापान में वनाच्छादित प्रदेश ज्यादा है, इसका मतलब वन से आच्छादित, जहां पर जंगल ज्यादा है तो वहां की जो ये होगी पोल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा वहां पर कम होगा, लोगों के लिए ऑक्सीजनेटेड एयर ज्यादा मिलेगी,
इस तरह से कृषि योग्य भूमि हमारे यहाँ 4.2% है, तो जापान में 0.8% है। यहाँ पर प्रश्न पूछा है किस देश में वनाच्छादित भूमि का प्रतिशत अधिक है, तो हम बता सकते हैं कि जापान में वनाच्छादित प्रदेश अधिक है, वनाच्छादित भूमि का प्रतिशत अधिक है। अब कृषि के अंतर्गत भूमि का अनुपात किस देश में अधिक है, तो कृषि के अंतर्गत 4.2% जहाँ पर स्थायी कृषि है हमारे यहाँ वह भाग ज्यादा है, जापान में वह 0.8% है। इससे हमें पता चलता है कि भूमि की उपलब्धता उपयोग किस तरह से दिखाई देगा, कि भूमि कितना उपलब्ध है, उस देश की जनसंख्या कितनी है, उसकी गुणवत्ता एवं आवश्यकता अनुसार भूमि उपयोग के प्रकार में अंतर दिखाई देता है। जैसे जापान में वनाच्छादित भूमि का प्रमाण अधिक और कृषि के अधीन भूमि का प्रमाण बहुत ही कम है, उसकी तुलना में भारत में वनाच्छादित भूमि का प्रतिशत कम है और स्थायी कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत अधिक है। किसी प्रदेश के भूमि उपयोग के अनुसार विकास के स्तर को समझा जाता है कि वहां पर भूमि का उपयोग किस तरह से, अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा होगा, औद्योगिकीकरण ज्यादा होगा, तो भूमि का उपयोग उद्योग धंधों में ज्यादा दिखाई देगी। अगर वह कृषि प्रधान देश है भारत जैसा, तो वहां पर खेती अधिक स्थान पर हमको दिखाई देगी। अब यहाँ पर दिया है भूमि का स्वामित्व एवं स्वामित्व अधिकार, ये नमूना प्रति दी है जिससे हम लोग जान सकते हैं कि भूमि, अगर गांव में जाओगे तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास मिलेंगे, जहां पर लिखा है कि किस व्यक्ति के नाम पर कितनी जगह है और उस जगह का किस तरह से उपयोग किया जाता है, उसे 7/12 उतारा भी कह सकते हैं। भूमि के स्वामित्व का अधिकार, इसे हम लोग गांव में अपने जो दादा दादी होंगे उनके पास से प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकता है। इसे 7/12 उतारा खसरा, हिंदी शब्द है उसके लिए खसरा, 7/12 उतारा यहाँ पर हम लोग कहते हैं। और संपत्ति कार्ड, प्रॉपर्टी कार्ड जिसे कहते हैं, जो प्रॉपर्टी जो संपत्ति मेरे नाम पर है वह इसमें मेरे स्वामित्व की जगह कितनी है वह दिखाई देती है। अब 7/12 उतारा जिसमें दिया है कि यह राजस्व विभाग द्वारा दिया जाता है, इसका सरकार के पास पंजीकरण होता है, खसरा नामक दस्तावेज है, या हिंदी शब्द उसको खसरा कहा जाता है, 7/12 यहाँ की भाषा में, मराठी की भाषा में कहते हैं। 7/12 दस्तावेज के कारण भूमि संबंधी स्वामित्व अधिकारों के विषय में पता चलता है। यह दस्तावेज शासकीय अभिलेख राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार 7/12 को देख करके हम बता सकते हैं कि जमीन किस उपयोग में है, उस पर ऋण का बोझ कितना है, स्वामित्व का अधिकार कितना है, उस पर कोई कर्ज तो नहीं है, और भोगवटदार का अर्थ है कि परंपरागत रूप से परिवार के स्वामित्व की है। भोगवटदार एक अगर उस पे लिखा है 7/12 पर, तो वह स्वामित्व मतलब परंपरागत रूप से मेरे दादा के दादा, इस तरह से पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी वह जमीन मेरे नाम पर आई है। और भोगवटदार 2 का अर्थ है यह भूमि अल्प भूधारक अथवा भूमिहीन को दी गई भूमि है, जैसे किसी के पास जगह नहीं है खेती करने के लिए, फिर जिलाधीश की अनुमति देने पर इस जमीन को बेचा जा सकता है, अर्थात पट्टे पर दी जाती है। पट्टा अर्थात पैसा है, कुछ वर्षों के लिए या जब तक तुम चाहो वहां पर खेती कर सकते हो, लेकिन उसे बेचने का अधिकार, गिरवी रखने का अधिकार अथवा दान देने का अधिकार हमको नहीं होता बिना सरकारी अनुमति के। इसके नीचे आकार अर्थात भूमि पर लगाया गया कर रुपए पैसे में, कितना पैसे, बहुत कम कर होता है, बहुत कम टैक्स होता है, इस जमीन पर खेती की जमीन है इसलिए इस पर हम अन्य हक अर्थात उस संपत्ति में और कौन कौन लोग साथ रहते हैं यह भी हम देख सकते हैं, इस पर और किसका किसका अधिकार है। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट था वह संपत्ति पत्र अर्थात प्रॉपर्टी कार्ड था। यदि संपत्ति अकृषि भूमि, अकृषि भूमि मतलब जहां पर खेती नहीं करना है, वहां पर हम लोग अपना घर बना सकते हैं, आवासीय जगह बना सकते हैं या बिल्डिंग बना सकते हैं, ऐसे स्वामित्व संबंधी अधिकार एवं क्षेत्र दिखाने वाला दस्तावेज नगर भू अभिलेख विभाग द्वारा, नगर भू अभिलेख जहाँ भी तहसील का कार्यालय होगा वहां पर यह नगर भू अभिलेख विभाग है, वहां से हम अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवा सकते हैं। सिटी सर्वे नंबर, अंतिम प्लॉट क्रमांक क्या है, उस पे टैक्स कितना है, संपत्ति टैक्स कितना बकाया है, बंटवारे का अधिकार, इत्यादि बातें हम लोग संपत्ति पत्र के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं, सब जानकारी हम ले सकते हैं। यदि संपत्ति अकृषि भूमि वर्ग में है तो पंजीकरण संपत्ति पत्र में अकृषि भूमि जहां पर हम कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं परमिशन लेकर के सरकार से, जहां पर हम अपनी इमारत खड़ी कर सकते हैं, बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, उसको अकृषि भूमि योग्य कहते हैं, उस तरह की जगह।
अब इसमें सिटी सर्वे क्रमांक, अंतिम प्लॉट क्रमांक पर और बंटवारे का अधिकार, ये सब बातें उस संपत्ति कार्ड में लिखी होती है। कौन सा भूमि, यहाँ पर एक आलेख दिया है, इस आलेख के माध्यम से दिया क्या है, भारत का सर्वसाधारण भूमि उपयोग और उसमें हुए परिवर्तन। अब यहाँ पर वन, वन नीले रंग से दिखाया है, और 1990-91 में वन लगभग 23.5-24% था। अब वन की भूमि देखा जाए तो यहाँ पर हमको कम दिखाई देती है, या लगभग उतना ही है। फिर गैर कृषि भूमि, ये जो गाढ़े पीले रंग का भाग दिखाई दे रहा है वह गैर कृषि भूमि। अब 1990 से लेकर के अगर हम तुलना करें 2010-11 की, तो गैर कृषि भूमि बढ़ी है, अर्थात अब गैर कृषि भूमि का उपयोग ज्यादा हो रहा है। चरागाह के जो मैदान थे, अगर यहाँ से तुलना करते हैं हम, तो चरागाह के जो मैदान थे अब 2010-11 में जाकर के कम हो गया है। उसी तरह अन्य गैर कृषि भूमि भी लगभग 10% यहाँ पर थी, 10 पर थी, अब यहाँ पर आकर के लगभग 9 तक पहुंच चुकी है। अर्थात जो अन्य भूमि थी कृषि के अतिरिक्त, वह अब कम हो चुकी है। अब यहाँ पर कौन सा भूमि उपयोग 1990-91 की तुलना 2010-11 में कम हो गया। 90 की तुलना में हम अगर देखते हैं तो ये जो ग्रे कलर का है वह बहुत ज्यादा कम हुआ, वह कौन सा है, चारागाह। अर्थात चारागाह के मैदान 1990-91 की अपेक्षा 2010-11 में अधिक कम हुए। किस भूमि के उपयोग में लक्षणीय वृद्धि हुई, सबसे ज्यादा वृद्धि किस तरह की भूमि में हुई, अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा गैर कृषि जो क्षेत्र है उसमें हमको वृद्धि दिखाई देगी। और यह जो सबसे बड़ी लाइन है यह है कुल कृषि क्षेत्र, कुल कृषि क्षेत्र लगभग उतना ही है, उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा होगा तो आर्थिक जो स्थिति है हमारे देश की अधिक अच्छी होगी। क्या कृषि क्षेत्र में कमी आने का संबंध अन्य की कमी से लगाया जा सकता है, तो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कृषि क्षेत्र भले कम हुआ हो लेकिन जो तरीका है खेती का वह काफी कुछ बदल चुका है। अच्छे बीजों का उपयोग करके, खाद का उपयोग करके प्रोडक्शन या उत्पादन बढ़ाया गया है। अब भूमि उपयोग पर परिणाम करने वाले घटक, ग्रामीण भूमि में जलवायु, मृदा, ढाल की प्रकृति, सिंचाई की सुविधा, प्राकृतिक संसाधन, सरकारी नीतियां, और नगरीय भूमि पर भूमि का स्थान, प्राकृतिक संसाधन, विनिर्माण नीति, यातायात मार्ग, औद्योगिकरण, व्यापार, खेल का मैदान एवं मनोरंजन की सुविधाएं, सरकारी नीतियां, इसको देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि भूमि का उपयोग ज्यादा कहाँ पर होगा। अगर किसी क्षेत्र की जलवायु अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, ढलान अच्छी है, सिंचाई की सुविधा अच्छी है, तो वहां पर खेती का उपयोग ज्यादा होगा, ग्रामीण भूमि का अधिक से अधिक उपयोग होगा। नगरीय भूमि भी उसी तरह से, कुछ नगर बहुत ज्यादा घनत्व वाले क्योंकि वहां पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान ज्यादा है, क्यों है, क्योंकि यातायात का माध्यम जो है बहुत अधिक है, औद्योगिकरण अधिक हुआ है, व्यापार ज्यादा हो रहा है, जैसे मुंबई जैसे बड़ा शहर। फिर रहने के लिए स्थान कौन सा योग्य होगा, जहाँ पर खेल के मैदान, रहने की सुविधाएं अच्छी होंगी, पढ़ने लिखने के लिए स्कूल कॉलेजेस अच्छे होंगे। तो इस तरह से नगरीय भूमि पर परिणाम करने वाले यह घटक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वन आच्छादित, अलग अलग तरीका दिया है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, चरागाह व कृषि योग्य पड़ती भूमि का क्षेत्र, इन सबको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत है, इसको देख के हम बता सकते हैं। इंडेक्स को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 56.8% जो जगह है वह फसल के भूमि अधीन भूमि है, और जो अन्य उपयोग में है वह कम है, चरागाह और भी कम है, ग्रे कलर का हम लोगों ने देखा था, चरागाह व कृषि योग्य, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि 10.2% है, पड़ती भूमि जो छोड़ दी गई है थोड़े समय के बाद फिर से उसका उपयोग किया जाएगा उसको पड़ती भूमि कहते हैं, वह 8.3% है, और वन क्षेत्र जो है 16.9% है, और कृषि के लिए फसल के अधीन भूमि 56.8% है। अब यहाँ पर दिया है कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत है, तो 56.8%। अनुपजाऊ भूमि कितनी है, अनुपजाऊ मतलब जहां पर खेती नहीं हो सकती, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि यहाँ पर दिया है। महाराष्ट्र की कितने प्रतिशत भूमि वनों के अंतर्गत है, वन क्षेत्र दिया है 16.9%। महाराष्ट्र में कितने प्रतिशत भूमि कृषि के लिए अनुपलब्ध है, जो खेती के लिए अनुपलब्ध है 10.2% जो भूमि है वह कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है।
धन्यवाद बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको किताब में पुस्तक में पढ़ना, ना समझ में आए तो मुझसे फिर से पूछ सकते हो।